छंद मेरी काव्य रचना जो है आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरे दूसरा जो रहेगा शेर, उसमें आपको मेरी काव्य रचना पता चल जाएगी। मैं देशभक्ति के ऊपर यहाँ पे आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि कोई आके पूछने लगे तुम्हारा दिल कभी टूटा है क्या, कोई आकर पूछने लगे तुम्हारा दिल कभी टूटा है क्या, मोहब्बत के दरिया में कभी डूबा है क्या। अरे कोई आके पूछने लगे तुम्हारा दिल कभी टूटा है क्या, इश्क की दरिया में डूबा है क्या। इतनी भी कशमकश अच्छी नहीं है यारो, इतनी भी कशमकश अच्छी नहीं यारो, समंदर से पूछते हो किनारा है क्या। और दूसरा शेर बाद में मेरा काव्य रचना मेरी, कि दिलों को दिलों से जोड़े वो एहसास मोहब्बत है, दिलों को दिलों से जोड़े वो एहसास मोहब्बत है, बिछड़ के फिर मिलेंगे ये विश्वास मोहब्बत है। दिलों को दिलों से जोड़े वो एहसास मोहब्बत है, बिछड़ के फिर मिलेंगे ये विश्वास मोहब्बत है। मैं लिखूं इस कलम से इनकलाब या जय हिंद, मैं लिखूं इस कलम से इनकलाब या जय हिंद, गहराई वतन से जोड़े वो इतिहास मोहब्बत है। और अभी मेरा काव्य है कि अमन के खातिर जान लुटा देंगे, चमन के खातिर सम्मान निछावर होंगे, वक्त अगर दिखलाए तो युद्ध भी होगा, वक्त अगर दिखलाए तो युद्ध भी होगा, इसी कलम से नया हिंदुस्तान लिख देंगे, इसी कलम से नया हिंदुस्तान लिख देंगे। और इस आजादी के 75 साल में सालगिरह में अब हम है, तो इसमें क्या क्या होगा कि भगत सिंह का इंकलाब भी होगा, आजाद का स्वाभिमान भी होगा, गांधी जी की शांति भी होगी और पटेल सुभाष की क्रांति भी होगी। रक्षा के खातिर गोली भी चलेगी, शांति के खातिर बाहें भी खुलेगी, मतभेद के मंसूबे अब साकार नहीं होंगे, अखंड भारत एक भारत हाथों में हाथ रहेंगे। अब्दुल कलाम सा प्रण भी होगा, लाल बहादुर रण में भी होगा, आत्मनिर्भरता की मशाल जलेगी और संविधान की ढाल चलेगी। और इसी अमृत महोत्सव में हमारा देश कैसा होगा कि खुशियों से भरा हर दिन होगा, हर शाम मोहब्बत की होगी, जय जवान जय किसान के संग या ईद और दिवाली होगी, जय जवान जय किसान के संग या ईद और दिवाली होगी। और लास्ट में काव्य रचना की लास्ट पंक्तियां है कि इसमें कहूंगा कि आजादी का गुणगान करेंगे, 75 साल हुए तो सेलिब्रेट तो करेंगे ही, आजादी का गुणगान करेंगे आबाद रहेंगे और नाम करेंगे। स्मरणीय इतिहास और वर्तमान संग भविष्य रोशन दान करेंगे। और एक शेर सिर्फ, अभी मौसम है बादल है तो इसलिए शेर, और हम सब क्योंकि इसी माध्यम से हम सब मिल रहे हैं, हमारी मुलाकात हो रही है, कि बादल आ गए बरसात तो होनी ही चाहिए, गम हो या खुशी के ये फूल तो खिलने ही चाहिए। बादल आ गए बरसात तो होनी ही चाहिए, गम हो या खुशी के ये फूल तो खिलने ही चाहिए, हर वक्त मनमानी अच्छी नहीं आशिकों की। और लास्ट सुनेगी, लबों की खामोशी हम सह लेंगे लेकिन मुलाकात तो होनी ही चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।